इवनिंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया कैटन 0.2 पर। टेंसेस के बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड का मतलब हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसके लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं, यही आप लोगों के लिए विशेष होने वाला है। तो वीडियो को बने रहे, वीडियो को आप लोग पूरा देखे। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो वहां से आप शुरू से पढ़ने का कोशिश करिए। आपको वादा करता हूं कि अंग्रेजी का बहुत बढ़िया आपको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बोर्ड पर चलते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये पार्ट थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे, यानी सबसे पहले क्या करते हैं कि विल सेल को हम पहले लिख देते हैं, यानी कर्ता के अनुसार। हमने बताया हुआ है कि जब आई और वी आता है तो सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, यदि वाक्य में नॉट रहता है तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, हैव समय लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो बचेगा आपका अदर वाक्य जिसको हम कहते हैं शेष वाक्य रिमेनिंग, उसको क्या करेंगे लास्ट में लगा करके क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसों को हमने सबमिट किया हुआ है, इसको अगर आप अध्ययन करते हैं पेपर और कॉपी के साथ तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, कैसा भी रहेगा, उसको आप आसानी से कर जाएंगे। फॉलो आपको करना है क्या, केवल इसी रूल को। ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल है, जब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव का रूल लगाते हैं, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का रूल, ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का रूल लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आएगा पार्ट फोर में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसको जो है हम आपको पार्ट फोर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक चीज और कहेंगे, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज कर लेते हैं सब्सक्राइब, तो जो भी अपडेट होगा यहाँ से भेजा जाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग करें और अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए पहला सेंटेंस देखिये क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिये, क्या भारतीय टीम कल यह मैच जीत चुकी होगी, वाक्य की पहचान उसके अंतिम शब्दों से होती है। इसमें है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, इसकी पहचान होती है। पहचान हमने लिखा दी है पार्ट वन में, अगर आपको पार्ट वन का अध्ययन करते हैं आप तो वहां से आपको पहचान आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और शुरू में आया है क्या, इसका मतलब ये हो गया कि यह आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल सेल में से एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के अनुसार। इसमें जो सब्जेक्ट दिया है आपका, दिया है भारतीय टीम। तो हमने बताया है कि केवल आई और वी, यानी जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा या वी होगा तो उसके साथ सेल लगाते हैं, और बाकी जो अदर होते हैं सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, भारतीय टीम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विल, विल हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, भारतीय टीम, जिसका हो जाएगा विल इंडियन टीम, ठीक। पेपर कॉपी का सहारा लीजिए और एग्जाम्पल बनाते चलिए और जितने भी रूल्स है रूल्स को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। रूल्स लिखने के बाद कोई भी सेंटेंस क्रिएट करिए अपने माइंड में और उसको क्या करिए बना दिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहा जाता है कि मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। कोई भी चीज जो प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको बहुत विध्वस्त से अंग्रेजी में अनुवाद करना आ जाएगा। जो अपने घर में जो छोटे बच्चे होंगे, भाई दोस्त होंगे, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ो वैसे कि औरों को पढ़ा सको, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा नॉट, इसमें है नहीं, नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग समय होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो क्या है, जीतना, तो जीतना का होता है विन, और विन का थर्ड फॉर्म होता है ओन, ये हो जाएगा आपका ओन, ठीक। अब ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ये तो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो क्या, यह मैच, इसका हो जाएगा दिस मैच। अब क्या बच गया, देखो कल, तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का प्रयोग किया जाता है, ये हो गया आपका टुमारो। अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बन गया, कितना आसान है देख लो, विल इंडियन टीम है ऑन दिस मैच टुमारो, क्या भारतीय टीम कल यह मैच जीत चुकी होगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सेंटेंस आप देखिए क्या,
क्या पिताजी मेरे लिए यह पुस्तक ला चुके होंगे? यहाँ पर भी आ गया, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। बस आपको वाक्य के अंत में जो शब्द दिया जाता है उसी से आपको पहचान करना, पहचान हो गई, टेंस की पहचान होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का रूल लगा देंगे। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया, पिताजी। तो हमने बताया कि आई और वी के साथ सर लगा, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो वील का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी हो जाएगा वील, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या, पिताजी, तो लिख देंगे फादर, विल फादर। अब इसमें देखो सब्जेक्ट हो गया फादर, नॉट है, नहीं लगाएंगे, हैव का प्रयोग कर देंगे, सब में हैव लगेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो क्या है, लाना। जो मुख्य क्रिया होती है वो सहायक क्रिया से जुड़ी होती है, जिसको हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पर होगा लाना का होगा ब्रिंग, या ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्राफ्ट, बी आर ओ यू जी एस टी। हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यही नहीं, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी परफेक्ट टेंसों में इसका प्रयोग करके तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक चीज कंसेप्ट करते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा जाता है। यानी कंटिन्यूअस मतलब लगातार, तो जो कंटिन्यूअस होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, और जो परफेक्ट होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आप कंसेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ब्राट हो गया, इसके बाद सॉरी ब्राट हो गया, यह पुस्तक ऑब्जेक्ट है जिसका लिख देंगे आप दिस बुक, हो गया यह पुस्तक, हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो बच गया उसको लिख देंगे मेरे लिए, तो मेरे लिए किसका प्रयोग करेंगे, देखो फॉर मींस होता है के लिए, फॉर मी, मी माने मेरे लिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक। फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर अस हमारे लिए, फॉर हिम उसके लिए। तो यहाँ पर जो होता है लिए के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बन गया आपका सेंटेंस, विल फादर है ब्रॉट दिस बुक फॉर मी, क्या पिताजी मेरे लिए यह पुस्तक ला चुके होंगे। और इसमें बना सकते हैं, क्या पिताजी मेरे लिए यह कपड़ा ला चुके होंगे, विल फादर हैव ब्रॉट द क्लोथ फॉर मी। कोई ऐसा सेंटेंस क्रिएट करिए, बनाते चलिए उसको, ऐसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद बनाना बहुत सलीके तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप उसको अध्ययन करिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको अंग्रेजी अनुवाद बनाना बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ाया हूँ, आ जाएगा वहां से। रूल का फॉलो करेंगे, एक टेंस में चार रूल मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, कैसे प्रयोग किया गया सारी चीज हमने वहां पर बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या वे कक्षा में अपना काम पूरा कर लिए होंगे, यहाँ पर भी आ गया, लिया होगा, लिए होंगे, दिए होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, ये भी परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, देखो वे, ठीक, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए भी प्रयोग करेंगे किसका, विल का, ये हो गया विल। इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, दोनों में से एक लगाना है प्योर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। इसके साथ विल लग गया, सब्जेक्ट लिख देंगे, वे का हो जाएगा आपका दे। इसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हो गया। जिसमें नॉट लगता है उसको कहते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके साथ नॉट कहाँ लगाएंगे, तो सहायक क्रिया के और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो पूरा करना, पूरा करना को होता है कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, हो गया आपका कंप्लीटेड, हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिख देना, देखो पूरा करना वर्ब हो गया, अब है कि अपना काम। तो यहां सवाल ये है कि अपना का लिखेंगे क्या, अपना का योर लिखेंगे कि माई लिखेंगे, हिज लिखेंगे, ठीक है। इसको हम पजेसिव केस कहते हैं, और यह जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप योर लगा देंगे, हिज लगा देंगे, ठीक है। ये चीज हमने बताया हुआ है, अगर आप
प्लेलिस्ट का अध्ययन करते हैं तो आपको वहां भी ये चीज हमने बताया हुआ है। अगर प्लेलिस्ट में अगर अध्ययन करते हैं तो वहां पर बहुत विधो तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दे है, तो दे का अपना के लिए होता है दियर। अगर यहाँ पर आई रहता तो माई लगाते, ही रहता तो हिज लगाते, यू रहता तो योर लगाते, लेकिन यहाँ पर दे है तो दे का अपना के लिए हो जाएगा दियर। ठीक, दियर। अब हो गया कक्षा में, तो इसको लिख देंगे आप इन द क्लास। ये बन गया आपका विल दे है कंप्लीटेड दियर। सर यहां पर वर्क हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दियर वर्क इन द क्लास। अपना देर के लिए और काम के लिए हो गया वर्क, इसके बाद जो बच गया कक्षा में हो गया इन द क्लास। बन गया आपका विल दे है कंप्लीटेड दियर वर्क इन द क्लास। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखो, क्या हम कल इस समय अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें आ गया नहीं, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे, इस शब्द के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसको बनाएंगे, देखो हम के लिए क्या लगाएंगे, वी, और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, तो सर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका सर। अब सब्जेक्ट क्या हमारा है, वी। अब इसमें देखो नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग अपन कर लेंगे, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हो गया। देन आप क्या लिखेंगे, है लिखेंगे, ये हो गया आपका है। ठीक, वर्ब मेथड का क्या, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड होता है, रीड रीड रीड, तीनों थर्ड फॉर्म होता है, रीड ही होगा आपका थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, अभी क्या दिया है, इंग्लिश, यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश। ठीक, इसके बाद क्या दिया है, अदर वाक्य, देखो कल इस समय, ठीक है, तो इस समय का हो जाएगा एट दिस टाइम। ठीक है, और जो कल हो जाएगा, कल का हो जाएगा आपका टुमारो। ये बन गया आपका शैल वी नॉट हैव रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। बन गया आपका क्या हम कल इस समय अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके होंगे। ठीक है, एक चीज कहूंगा आप लोगों से, आप लोगों से अपेक्षाएं हैं, जब तक अब तक लिए यहां तक लिए आप लोगों ने प्रोत्साहित किया है, तो आगे भी आप लोग अपेक्षा है कि करते रहिए आप लोग। ठीक है, यही आप लोगों से विनती कामना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस चीज को अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए। ठीक है, ताकि चैनल का क्रेज कुछ बढ़े। आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या डॉक्टर मरीज को समय पर नहीं देख चुका होगा। अब यहाँ पर भी देखो नहीं आ गया है, तो ये भी हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको बनाएंगे, तो देखिए क्या दिया है, डॉक्टर, डॉक्टर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा आपका विल, हो गया सब्जेक्ट, हो गया द डॉक्टर। इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट के बाद हो जाएगा आपका है। अब यहाँ पर देखो देखना, तो देखना के लिए जो है लुक और आज का प्रयोग नहीं करते हैं। मरीज देखना का मतलब होता है कि महसूस करना, यानी कि फील का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा फील का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट। तो होगा विल द डॉक्टर नॉट है फेल्ट। ठीक, इसके बाद हो जाएगा मरीज फेल्ट द पेशेंट। ठीक, अब हो गया मरीज को समय पर, ये आपका शेष वाक्य लिख देने, समय पर इसका हो जाएगा ऑन टाइम। ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, सचिन लगा दे, हो गया विल द डॉक्टर नॉट हैव फेल्ट द पेशेंट ऑन टाइम। क्या डॉक्टर समय पर मरीज को नहीं देख चुका होगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए पांच ऐसे सेंटेंसेज हैं
जिसको आपको अध्ययन करना है, विधोत सर अगर अध्ययन कर लिया है इसको, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो उसको क्या करेंगे आप आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, यह आपका पार्ट थर्ड है। पार्ट फोर में बताएंगे कि जब किसी भी वाक्य के बीच में या कहीं पर भी क्या, कब, कहां, कौन अगर आ जाता है तो उसको डबल निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद उसको कैसे करेंगे। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को आप लोग देखिए और जो हमारी पिछली वीडियो है उसको भी आप लोग अध्ययन करिए। नेक्स्ट मिलेंगे तो आपको बताएंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तब तक ये देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2।